समाज में। और दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कई बार नारी ही ऐसा सोच लेती है, अगर उसके घर में गर्भ में बेटी आ जाए, वो खुद सोचती है कि बेटी क्यों आई, बेटा क्यों नहीं आया। महिलाएं ही ऐसा सोच लिया करती हैं। इसलिए अपने विचारों को बदलो, अपनी सोच को बदलो। पता नहीं तुम्हारे गर्भ के अंदर किसी कात्यायनी ने फिर से जन्म लिया हो, किसी मैत्री ने, किसी गार्गी ने, किसी सीता ने, किसी शारदा ने फिर से जन्म लिया हो, कोई झांसी की रानी पल रही हो, कोई फिर पद्मावती पल रही हो, जो अपने कुल के सम्मान के लिए अपना संपूर्ण जीवन ही परित्याग कर दे, कुल के मान की रक्षा के लिए कोई दुर्गावती पल रही हो, कोई भारती पल रही हो, ऐसा शास्त्र के जिसने आदि गुरु शंकराचार्य को चुनौती दे दी कि करो मुझसे शास्त्र। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य को जिसने चुनौती दे दी, वो भारती पल रही हो तुम्हारे गर्भ के भीतर, पता नहीं किस रूप में देवी आ जाए। इसलिए आज के बाद कभी ये गलती समाज में ना हो, ये गलती ना हो कि पलती हुई बच्ची पता चल गया कि गर्भ के अंदर पुत्री है, गर्भ के अंदर पुत्री है, तो सोच लिया इसको जन्म ना दे, बेटा ही जन्म ले। लोग भ्रूण हत्या जैसा पाप कर्म भी कर देते हैं, और ऐसा कर्म हमें नरकवासी बनाता है, नरकों में ले जाता है, सारा जीवन दुखी कर देगा, सारा जीवन कष्टमय बीतेगा, सारा जीवन दुखमय बीतेगा। इसलिए विचार करो, सोचो, पुत्री का जन्म हो उसे भी उसी तरह से पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, उसके अंदर जो संवेदना की शक्ति है, जो भाव शक्ति है, इस सावित्री की भाव शक्ति थी, सावित्री की भाव शक्ति थी कि यमराज भी विवश हो गए और पति को वापस देना पड़ा, सत्यवाद को फिर से आना पड़ा, यमदूत को छोड़ना पड़ा, प्रकृति का नियम बदलना पड़ा, ये भाव के वश में है। और ऐसी भाव शक्ति और ऐसी संवेदना शक्ति जो नारी के अंदर भगवान देते हैं, वो अगर माया में लिप्त हो जाए तो बिखर जाती है, अगर एकाग्र हो जाए तो यमराज को भी जीत लेती है, यमराज को भी जीत लेती है। जब वो शास्त्रार्थ करने पर आ जाए तो शंकराचार्य जैसे जगत गुरु को भी दो कदम पीछे हटना पड़ता है कि ये कौन आ गया मेरे सामने, ये कौन आ गया। शंकराचार्य देखकर हतप्रभ रह गए, क्या कोई नारी भी इतना शास्त्रों का ज्ञान रख सकती है। इसलिए संभावना है, उसे संभव होने दो, उसे नष्ट मत करो, उसे मार मत दो। इसलिए देवी का जन्म होना अद्भुत है, यही नारी शक्ति की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है। और नारद जी आज मैना देवी को समझा रहे हैं, नारद जी मैना देवी को समझा रहे हैं, और ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म, विकृतियां आई इसके अंदर, इसलिए नारी का सम्मान घटा, क्योंकि विकृतियां आई। लेकिन अगर इतिहास पढ़ोगे तो सर्वदा नारी का सम्मान था। मनुस्मृति कहती है त्रेव यत्रेव नारी पूज्यते तत्रेव तत्रेव देवता रमंती। हाँ, नारी के लिए कुछ नियम भी बताए महर्षि चाणक्य ने, अपने चाणक्य नीति में लिखा कि नारी के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, कभी गार्गी जैसी, भारती जैसी, मैत्रेयी जैसी नारियों का, अनसुईया जैसी नारियों का जन्म होगा अगर उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही शूर्पणखा का भी जन्म हो सकता है, ताड़का का भी जन्म हो सकता है, इसलिए आवश्यक है मार्गदर्शन का। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि तुम उसकी स्वतंत्रता उससे छीन लोगे, आगे बढ़ने भी छीन लोगे। चाणक्य नीति कहती है, और वो भी लिखते हैं मनुस्मृति की उसी बात को दोहराते हैं कि जहां जहां नारी का सम्मान, कम से कम 15 श्लोक मिलते हैं मनुस्मृति के अंदर। आज लोग मनुस्मृति को बहुत सारी गालियां देते हैं, ये मनुवाद वो वाद करने वाले लोग बहुत हैं, कभी पढ़ा नहीं कि मनुस्मृति कहती क्या, दुष्प्रचार हो रहा है धर्म ग्रंथों के विरुद्ध, दुष्प्रचार। कभी पढ़ लो सही से, तब समझ में आ जाएगा। कम से कम 15 श्लोक मनु महाराज ने नारी के सम्मान में लिखे हैं, और कहते हैं कि जिस कुल के अंदर नव वधु का सम्मान ना हो, जो नई ब्याहता है, नया विवाह करके अपने ससुराल आई है, उसका सम्मान ना हो, नव वधु का सम्मान ना हो, उसका अपमान हो, चाहे वो दहेज लेकर आई या ना आई, दहेज प्रथा के विरुद्ध है मनुस्मृति और धर्मशास्त्र। अगर उसका सम्मान ना हो तो उसकी हाय से पूरे कुल का नाश हो जाता है।
उसकी हाय से पूरे कुल का नाश हो जाता है, यह मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है। अगर ना पता हो मेरे पास आ जाना, मैं प्रमाण दे दूं तो मनुस्मृति में क्या लिखा है इस विषय में। अगर उसकी कामनाओं की पूर्ति ना हो, उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो, जो उसकी जरूरतें हैं उसे ना दिया जाए, तो उसके श्राप से वो कुल नष्ट हो जाता है, वो परिवार दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है। जो कुल वधु की मर्यादाओं, उसकी कामनाओं का ध्यान ना रखे जो परिवार या जो पति, उसका खानदान दरिद्रता को प्राप्त हो जाएगा, वो दरिद्र बन जाएगा धीरे धीरे। ये मनुस्मृति कहती है। इसलिए जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, हिंदू धर्मावलंबियों में यही कमी है कि वो अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, और फिर किसी के बहकावे में आ जाते हैं। प्रत्येक पक्ष में उचित शब्द और उचित विचारों को वहां रखा गया है, ना कि अनुचित कुछ रखा गया है। इसलिए विचार करें, सोचें और नारी का सम्मान करें। अगर अपने कुल को बचाना चाहते हैं, दरिद्रता से बचना चाहते हैं, और आज मैना देवी यही समझाने की कोशिश नारद जी कर रहे हैं कि मैना देवी क्या कह रही है, विवाह विवाह विवाह, बार बार विवाह। फिर से नारद जी कहते हैं कि सुन मैना देवी, सुन, क्या विशेषता है, क्या विशेषता है तेरी पुत्री के अंदर? वो मात्र शास्त्रज्ञ और वीरांगना नहीं बनेगी, तेरी पुत्री परम तपस्विनी बनेगी, परम साधनी बनेगी, परम तपस्विनी, परम साधनी तेरी पुत्री बनेगी। ऐसी तपस्या करेगी कि युगों युगों में उसके जैसे तपस्या करने वाला कोई पैदा नहीं होने वाला, और ना युगों युगों में कोई पैदा हुआ है। हे मैना देवी, तेरी पुत्री परम तपस्विनी बनेगी, परम तपस्विनी बनेगी। मैना देवी ने कहा कि राम राम राम, क्या कह रहे हो भगवान, क्या कह रहे हो? तपस्या करेगी, साधवी बनेगी, हाँ परम साधवी बनेगी तेरी पुत्री, परम साधवी। तो क्या उसका विवाह नहीं होगा? विवाह अवश्य होगा, क्यों चिंता करती है? क्या विवाह करके साधवी नहीं हो सकती? क्या साधवी होना एक अलग बात है, ये तो मन की अवस्था है। जो सध गया वो साधु हो गया, जो नहीं सधा वो विश्व प्रपंच है। उग रही अंत ना हो हे विवाह, काल नेम जिन रावण जाओ, विश्व प्रपंच के अलावा कुछ भी नहीं है। साधवी बनेगी, तपस्विनी बनेगी, तपस्या करेगी, ऐसी कठोर तपस्या कि युगो युगो में उसकी तपस्या की बराबरी करने वाला कोई पैदा नहीं होने वाला, युगो युगो में कोई पैदा नहीं होगा उसकी तपस्या की बराबरी करने वाला, ऐसी कठोर तपस्या तेरी पुत्री करेगी। इसलिए मैना देवी चिंता मत कर, तेरा जीवन धन्य हो गया, तेरा जीवन धन्य हो गया। पुत्र मतलब नरक से तारने वाला, और पुत्री मतलब नरक से तारने वाली, पू माने नरक, तरा मतलब तारने वाला। ये मत सोचो, अगर ऐसा होता तो कभी पुत्री शब्द का प्रयोग नहीं होता, पुत्री के लिए कोई और शब्द होता, पुत्री के लिए कोई और शब्द होता। पुत्र का अर्थ अगर नरक से तारने वाला है तो पुत्री भी अपने माता पिता को अपने कर्म से तार सकती है, नरक से तार सकती है, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को। यह सामर्थ्य पुत्री के अंदर भी होता है जो पुत्र के अंदर है, यह नहीं कि पुत्र ही नरक से तारेगा। पुत्री भी अपने कर्म से अपने माता पिता की, माता पिता को नरक से तार सकती है, नरक से तार सकती है। और आज तो ऐसे कई उदाहरण भी है जहां पर पुत्र अपने माता पिता का देखभाल नहीं कर पा रहे, पुत्री ही कर रही है, ऐसे भी उदाहरण है, पुत्री ही माता पिता का देखभाल कर रही है। इसलिए उसे दम मत आपना। हाँ ठीक है, आप कहोगे कि बराबर, कुछ लोग कहते हैं कि बेटा बेटी बराबर है, बराबर भी है, लेकिन एक प्राकृतिक अंतर भी है, प्राकृतिक भेद भी है, उसको भी बनाए रखना है। इसका मतलब वो प्राकृतिक भेद अलग अलग सामर्थ्य देता है, पुत्र को अलग ताकत, पुत्री को अलग ताकत देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शक्तिहीन है। उसके अंदर अद्भुत इच्छा शक्ति है, अद्भुत संवेदना शक्ति है, इसलिए वो सामर्थ्य रखती है किसी को नरक से तार देने की। पुत्री ऐसा सामर्थ्य रखती है, इसलिए विचार करें, इस विषय पर विचार करें, और पुत्री के ऊपर ये ना सोचे कि बेटी होने वाली है उदास हो जाइएगा, और बेटा होने वाला है तो प्रसन्न हो जाइएगा। ये भावना ही आपको छोटा बना देता है,
और फिर आप पुत्री की तरफ जो दृष्टि होती है वो अवहेलना की दृष्टि, अवहेलना, पढ़े ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है, बेटा को पढ़ाना है। लेकिन कभी अपनी बेटी को भी पढ़ाओ, बढ़िया से पढ़ाओ, देखो वो बड़े होकर आपके लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, कैसे आपके लिए नहीं करेगी, बहुत कुछ करेगी। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलो। आज हिमाचल राज और मैना देवी को पूरी दुनिया जानती है, हिमाचल राज और मैना देवी को पूरी दुनिया जानती है, उनके पुत्र के कारण नहीं जानती। आज मैंने कथा सुनाई कि हिमाचल राज और मैना देवी का एक पुत्र था मैना, शिव महापुराण में इसका वर्णन है। ये कथा शिव महापुराण के आधार पर है, इसलिए आपको सुनाया जा रहा है। कई लोग बताते हैं कि और भी कई पुत्रियां हुई थी हिमाचल में, पार्वती जी के बहने भी थी, लेकिन शिव महापुराण में बहनों का वर्णन नहीं है, एक भाई का वर्णन है, बस एक भाई का वर्णन है। तो मैनाक का जन्म हुआ, लेकिन हिमाचल राज को कौन जानता है मैनाक के नाम से? हिमाचल राज और मैना देवी का अगर नाम है तो उनकी पुत्री के कारण है, ना कि पुत्र के कारण है कि नहीं, मानते हो इस बात को? तो हो सकता है कि आपकी पुत्री ही आपका नाम कर दे पूरी दुनिया में जहां हो। इसलिए पुत्री को कम आंकना, उसकी अवहेलना करना, पढ़ाई लिखाई के मामले में, सुविधाएं देने के मामले में, यह भी एक तरह का पाप है, ये पाप मत करो। उसके अंदर जो संभावना है उसे संभव हो जाने दो, उसे संभव हो जाने दो, ये विचार करो। और नारद जी यही समझा रहे हैं, मैना देवी क्या बोल रही है, जब देखो वर कौनसा होगा, विवाह कैसा होगा, इतनी सुंदर पुत्री है तेरी, इतनी महान गुण लेकर आई है, और तू मैना देवी तो सिर पे हाथ रखकर रोने लगे कि मेरे तो कर्म फूटे कि मुझे ऐसी पुत्री मिली, तपस्या करेगी, साधु बनेगी, साधवी बनेगी, युद्ध में जाकर लड़ाई लड़ेगी, मारकाट करेगी, ये कैसी पुत्री है, ये कैसी पुत्री है मेरी। अरे महाराज छोड़ो इन सब बातों को, ब्याह कैसा होगा, वर कैसा होगा, यही तो बता दो, बस इतना ही बता दो, बस इतना ही बता दो। पूछते हैं हिमाचल राज, कहते हैं कि भगवान मैना देवी इतना पूछ रही तो थोड़ा बहुत बता ही दो। नारद जी कहते हैं कि मैना देवी सुन, इस संसार में जो भी जन्म लेता है बिना गुण और दोष के नहीं है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के मुकरतार, चाहे राम आए चाहे कृष्ण आए, गुण दोष लेकर आए, और तेरी पुत्री का यही दोष है कि उसका वर, उसके होने वाला जो वर है वो कुलहीन होगा, धनहीन होगा, दरिद्र होगा, अवधूत वेश को धारण करने वाला, आकाश ही उसका छत और भूमि, ये धरती माता, ये धरती ही उसका फर्श होगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई धन नहीं होगा उसके पास, माता पिता और जाति कुल वर्ण का कोई पता नहीं होगा उसका, कुल वर्णहीन होगा, कौन से वर्ण का है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय क्या है या शूद्र, ये भी नहीं पता। उसके दरबार में तो सबको बराबर स्थान मिलेगा, यही तो भोलेनाथ के दरबार की विशेषता है कि वहां शेर भी रहता है, बैल भी रहता है, मोर भी रहता है और चूहा भी रहता है, मूसक भी रहता है, विपरीत प्रकृति के जंतु रहते हैं, ना कोई जातिवाद है, यही सनातन धर्म की महानता है। इसलिए इसके आराध्य शिव है, कोई भेदभाव शिव के दरबार में नहीं है, कोई भेदभाव शिव के दरबार में नहीं है।